वेलकम बैक माई चैनल कुकिंग विद शीला में। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ और बहुत जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे जाना है पूजा में और मैं उठोगी सुबह सुबह, इतना काम होता है यार, कहीं भी जाना हो आप। अभी मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ और जा रहे हैं। आपको दिखा दे किस कौन सी पूजा क्या है। तो हम पहुंच गए घर, बस शाम में जस्ट घर है। और ना लगभग काफ़ी पूजा कर चुकी थी जब मैं पहुंची, बस लास्ट में कथा पढ़नी बची थी तो मैं पहुंची हो थी। हो गई क्या? हमें लगा हो गई। ये देखो, इधर देखो, ये देखो दीदी हमारी पूजा। किस चीज की पूजा है बता दो? किसकी? अन्नपूर्णा माता की पूजा है। हवन हवन तैयार है सब। इधर किचन वालों को भी ले लेते और कहने लगा, हे देवा दिवेश, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आधे ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? वे कहने लगा, तू अन्न छोड़ बैठा सो, तुझे अन्न की बात सोचती है, जाकर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय रह गया और स्त्री से सारी बात कही। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा को चला जाए, वह रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी से चमकती वजली शोभा देखने को आई, सुंदर सरोवर देखने को आई, उसके किनारे कितनी उनके पास जाकर पूछने लगा, हे देवियों आप ये क्या करती हो? उन्होंने कहा, माता अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। इस पर धनंजय ने कहा, पूछा इस व्रत को कैसे किया जाता है, कैसे होते हो, कैसा व्रत है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगे, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का दूध लेना चाहिए। 21 दिन ना बने तो एक ही उपवास करे, या फिर ना बने तो कथा सुनकर मजा ले। कुमारी कुमारी गुहार बैठा वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी को सुन के गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुना मुझे दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पढ़ भी जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे, व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांस को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो जिस कामना से व्रत करे वह उसकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों मेरे पास धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो एक भुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे भी इस व्रत का सूत्र दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण होगा, तुझे देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी में प्रकट हुई। धनंजय जैन पूना कहता जाता। इस प्रकार सीढ़ी का सुवाह करना पड़ा, सती सुलक्षणा को शव का दुख उठाना पड़ा। दिन बीतते गए, फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं। फिर वही सरोवर से भी प्रकट हुई। धनंजय जैन पूना कहता उतर चला, वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, या मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा, जब तुझे मेरा आशीर्वाद न देने। फिर सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आके बोली, खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया, वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते पुत्र का जन्म हुआ। गाँव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, ममता आने लगे। इसी प्रकार उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे, जाति जैसी भावना ताको तैसा सिद्ध, हंसा मुक्ति चुका था मुद्रा चुके नगे, दुशक्ति भावना देव मैं सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटके फिर एक होंगे समय पिछले माता। Thank you.
पूरी पूजा होने के बाद आरती वगैरह हो गई थी और सब ने आरती किया था, जितने भी लेडी थी सारी लेडीजों ने आरती किया, हवन किया, पूजा पाठ भी हम लोगों ने किया था। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो इसलिए पूरी क्लिप नहीं ऐड किया है। तो कैसी लगी ये पूजा? मैंने तो पहली बार अटेंड किया था इस पूजा को, और जो भी करता है उसको पता है, मैं नहीं करती हूँ तो मुझे नहीं पता था। और इसके बाद यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ, उसके बाद कुछ गाने बजाने हुए, मतलब देवी गीत हुए हैं। उसके बाद ना भोग, मतलब जितनी भी पूजा में औरतें आती उनको भोजन कराया जाता है, तो भोग में खाना था, सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद ये जो है मतलब गिफ्ट दिए जाते हैं अपनी सामर्थ्य, आप जो भी दे सकते हो, तो जितना प्रसाद होता है और बहुत सारी चीज़ें, वो मैं घर में चल के दिखाती हूँ आपको क्या क्या मिला है दिया है दीदी ने, तो सबको दिया है, जो बड़े थे उनको आशीर्वाद दिया। सच बताऊँ तो पूजा में जाके इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली, इतना सुकून मिला, बहुत अच्छा लगता है। वैसे पूजा उजा में जाओ मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और यहाँ पर हम सब लोग लाइन से खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो गाइस आप देख सकते हो मैं पूजा से आ गई हूँ और टाइम 12 से ऊपर हो गया है, 12:30 हो गया। मैंने आज पूजा करते करते सबके प्रीमियर अटेंड किए हैं, तो वहाँ पे पूजा में क्या क्या मिला मैं आपको दिखाती हूँ। अन्नपूर्णा माता का पूजा था, उसमें मतलब भोग भी खिलाया जाता है और साथ में प्रसाद भी दिया जाता है। प्रसाद आप अपनी स्वेच्छा से दे सकते हो, जितना आप दे सकते हो, नहीं तो सुहाग का पूरा सामान, कपड़े सब कुछ दिया जाता है, लेडीज एक जो लगता है प्रसाद और सब कुछ। तो मैं दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला, दीदी ने क्या दिया है, और बहुत अच्छे से पूजा किया। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी पूजा में पहुँचने में, तो यहाँ पर जो प्रसाद में मीठा मिला था मैंने नहीं खाया था वहाँ, तो मैंने एक खा लेती हूँ सोचा प्रसाद है। और ये कुछ सिंदूर है, मतलब सुहाग का चूड़ी सिंदूर है, बिंदी है, ये सामान मिला। और पोलोथीन में भी शायद सुहाग का ही सामान था, मैंने खोल के नहीं देखा है, या फिर फ्रूट थे शायद। और ये साड़ी मिली है, मतलब दीदी ने दिया है, सबको दिया है, जितने भी लोग आए थे सबको साड़ी दिया है, सुहाग का सामान दिया है, फ्रूट दिए हैं, मिठाई दिया है। और कब ठीक है, साड़ी अच्छी है, पिंक कलर की अच्छी लगी मुझे। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, जो लोग चैनल पर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू।